नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। यूपी में पंचायत चुनाव के अंतिम नतीजे जारी हुए हैं। पंचायत चुनाव के अंतिम नतीजे घोषित किए गए। 3050 सीटों के अंतिम परिणाम जारी हुए हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन को रिकॉर्ड सीटें मिली है। सपा आरएलडी गठबंधन को 828 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी को अकेले 760 सीटें मिली हैं। बीजेपी को यूपी में 750 सीटें मिली हैं। बीएसपी को 381 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस को 76 सीटें मिली है और कांग्रेस 76 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। आम आदमी पार्टी को 64 सीटें हासिल हुई है। निर्दलीय और अन्य को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। अन्य को 991 सीटें मिली हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। यूपी में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें भारी बहुमत सपा और गठबंधन को मिलता हुआ नजर आया है। देश में कोरोना के बढ़ते कहर को रोकने की एकमात्र उम्मीद बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन है, लेकिन 3 महीने से चल रहा वैक्सीनेशन कार्यक्रम काफी धीमा है। वैक्सीनेशन की पड़ताल की तो पता चला कि देश में 726 जिलों में से सिर्फ 37 जिले ही आबादी के 20% हिस्से को वैक्सीन की डोज दी गई है। कोविन ऐप डाटा के मुताबिक देश के 2 जिले पुडुचेरी का माहे और गुजरात का जामनगर उन जिलों में है जहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम सबसे तेजी से चला है। इन दोनों जिलों में करीब 1/3 लोगों को वैक्सीनेशन की डोज लगाई जा चुकी है। देश के अधिकतर जिलों में टीकाकरण अभियान रेंग रहा है। देश के करीब 58% जिलों में 10% से कम आबादी को ही वैक्सीन की डोज दी गई है, जबकि 37% जिले ऐसे हैं जहां 10 से 20% आबादी को ही टीका लगाया जा सका है। कर्नाटक के बीजापुर और असम के दक्षिण सालमारा में सबसे कम आबादी को टीका लगाया गया है, यानी दोनों जिले सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाले जिलों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। कोविन के आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्य के कई जिलों में अब तक 10% आबादी को ही टीका नहीं लगाया जा सका है। हालांकि राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अधिकांश जिलों में 10% से अधिक आबादी को टीका लगाया जा चुका है। और आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर का। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी आज सुबह 10 बजे के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। लगातार तीसरी बार राज्य की कमान संभालने जा रही ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में कोविड-19 संकट के चलते कुछ ही लोग उपस्थित रहेंगे। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम को छोटा रखा गया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम 55 मिनट का होगा। सीएम ममता सुबह 10:25 पर कालीघाट स्थित अपने घर से शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए रवाना होंगी। उनके साथ भतीजे अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर मौजूद रहेंगे। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली, टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी, वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को आमंत्रित किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी 292 में से 213 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। बीजेपी को 77 सीटों पर जीत हासिल हुई है। 2 सीटों पर अन्य ने जीत दर्ज की है। और ये खबर आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने का दौर शुरू हो गया है। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 21 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। ये बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में आज पेट्रोल 90.74 रुपए प्रति लीटर और डीजल 81.12 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 97.12 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 88.19 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में भी कुछ ऐसे ही हालात है। कोलकाता में भी लगातार जो कीमत है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव के लिए 26 फरवरी को अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद आखिरी बार 27 फरवरी 2021 को तेजी के साथ दाम बढ़े थे। 2 महीने ब्रेक के बाद 4 मई को पहली बार दाम बढ़े थे। फिर आज लगातार दूसरे दिन कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। देश में 27 मार्च और 29 अप्रैल के बीच चुनाव हुए थे और 2 मई को चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।